तू पेचे आप रब ने पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक परम पौ मिट गया रमन राम पर दूर संतां दी माता नू तन तन है बाणी कहंदी संतां दी माता नू तन तन है बाणी कहंदी संतां दी माता नू तन तन है बाणी कहंदी संतां दी माता नू तन तन है बाणी कहंदी संतां दी माता नू तन तन है बाणी कहंदी संतां दी माता नू तन तन है बाणी कहंदी संतां दी माता नू तन तन है बाणी कहंदी संतां दी माता नू तन तन है बाणी तन तन है पानी कहंदी 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 ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਆਂਡੇ ਸੱਚਿਆ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਰ ਦੀਏ ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ ਜਿਨ ਧਨ ਜਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ
आओ सब माई भाई तन तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकाईए, हथ जोड़ के फतेह दा सिमन करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर महाराज जी की अपार कृपा बख्शिश है, इस पावन स्थान रतवाड़ा साहिब विखे अज सारियां गुरु प्यारियां संगतां, ब्रह्म ज्ञानी महापुरश, भाव अपने प्यारे महापुरशां दा पित्र जन्म दिहाड़ा मना रही हैं। सतगुरु की बाणी का फरमान है, जन्म मरण दोहों में नाही, जन परपकारी आए। जी दान दे भगती लायन हर्ष्यों लैन मिलाए। ओ सतपुरश जन्म ते मरण तो रहत हन, ओ अकाल पुरख वल्लों इस संसार ते भेजे जांदे। संसारी जीव जन्म ते मरण विच हन। वाहिर दे प्यारे संसार दे जीवां नूं जन्म मरण तो कढ़न वास्ते इस संसार ते आउंदे। ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਸੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। जे लखां संगतां सिफतां करन, संसार उन्हां दी वडियाई करे, सिफत करे, वो होर वड्डे नहीं हो सकते। क्यों? वो ते पहले ही पूरे ने। किसे दी वडियाई दे वो मुथाज नहीं हन। परमेश्वर वाहिगुरु पूरा है, सतगुरु पूरा है, ते उहदे प्यारे जिहड़े उहदे विच अभेद ने उह पूरे ने। आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक सेई जन पूरे। ते उहना पूरियां दा जिहड़ा दिहाड़ा मनाउण दा मतलब इही है कि असी नाम बाणी नाल जुड़ जाइए, उन्हां दे बचनां नूं हिरदे विच वसाईए। भावें याद तां हर वेले ही रहिंदी है, पर संगत रूप विच इह जिहड़ी प्यारी याद असी मनाउने आ, दिहाड़े मनाउने आ, असी इक अरदास विच जुड़ने आ, क्योंकि कलयुग का समा बड़ा भयानक है, ये तिलकनी घाटी है, तो असी अरदास जुड़ने हैं कि असी उन्हां दे बचना नूं हिरदे विच वसा सकीए। वो साड़ी एक अरदास है। इस करके ही अज अमृत वेले तो लैके हुण तक जिदे विच रब्बी बाणे दे कीर्तन, कथा, गीत, अपने अपने भाव, छोटे छोटे बच्चों तो लैके वड्डियां तक, भाव अमृत वेले तो लैके हुण तक, हुणे दस तो पहला बाबा हरपाल सिंह जी उन्होंने प्रवचन किए हैं, सब ने
अपनी अपनी भावना प्रगट कीती है। दास ने भाई जसवंत सिंह नूं बेनती कीती कोई रह ना जावे। कह लगे एक दो बच्चे रह गए ने, एक बच्ची है एक बच्चा आत्म प्रकाश। मैं क्या कोई ना उन्होंने भी ला दो। कई बार अंदर प्यार भावना होंदी है, कोई गल नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बाकी समा जिहड़ा हुण बाद वाला मेरा ही है। बाकी का मतलब अज रात दे 12 बजे तक, क्योंकि अज का दिन है ना, चाहे मैं किन्ने मिनट लावां चाहे 12 बजे तक लगाना, भाई बाकी समा मेरा। उन्होंने मेरा टाइम नहीं दस्या। खैर तो आप जी बहुत दूर तो चल के आए हो, जरूर आप जी का ध्यान दास रखेगा। दास नूं तां यही अंदर ऐसा संगतां दा प्यार हुंदा, सुनदा ज्यादा चाह हुंदा। मैं कहना जिहड़ा सारे ही बोले ने मैं ही बोलिया, कोई गल कोशिश की जाती है कि जिन्हें भी भाई बीबियां बच्चे होर जथे आउंदे है थोड़ा थोड़ा समा सब नूं दिता जावे। खैर जे किसे नूं समा ना मिलिया होवे असी उन्हां तों खिमा मंगदे हां। सत्कारयोग बीजी जिथे आपां सारियां संगतां नूं वधाइयां अज दे दिन दीआं दे रहे हां, उत्थे संगत वल्लों असी सत्कारयोग बीजी नूं वी अज दे दिहाड़े दीआं वधाइयां दिंदे हां। प्यारे महापुरश अज शरीर करके साडियां इन्हां अखां दे सामने नहीं हन, पर वो हर वेले ही नाल ने, सामने ही ने। लोड़ है कि असी अपनी सुरत नूं अंदर जोड़िए। सत्कारयोग बीजी जिन्हां दे शरीर की उम्र अज 95 साल तो उपर हो रही है, अज जिस वेले आए संगतां प्यास सत्कार च खड़ियां सन ते उन्होंने सारी संगत नूं असीस दित्ती है। संगत वल्लों भी अज दे दिहाड़े की उन्हां नूं बहुत बहुत वधाई। आपां उन्हां दी असीसां लैणियां ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे अरदास करनी है, क्योंकि सह फरमान करदे जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। ते जो संत बचन सानू करदे रहे वो बचन गुरमत दे बचन प्यारे। ऐसे प्यारे महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी वो आए ने गए ने। प्रहलाद भगत साजग च आए सन, गए ने नहीं अमर ने। और बेनती करा कि सतपुरश शरीर दे विच रहिंदिया होया तां प्रचार करदे ही करदे ने शरीर नूं अलोप करके, उस तों बाद कई गुणा प्रचार हुंदा और सदा वास्ते प्रचार हुंदा। जिस वेले उह शरीर दे विच हुंदे ने ना, ते जदों उन्हां दे शरीर दे हुंदे आपां इह दिहाड़ा मनाउंदे आ ते उदों खुशियां कुछ होर ही हुंदियां ने, पर शरीर लोप होने तो बाद यह जन्म दिहाड़े भी एक बरछी का रूप धारण कर जाते हैं, कोई भावना ऐसी आ जाती। संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठ एक अज वड्डे समागम का रूप धारण कर रहे हैं। ये आसा तो कई गुणा वध है जिनी आस सी। कल शाम नूं विचार हो रही सी किन्नी संगत आएगी,
वड्डे समागम च तीन चार महीने तो पहला लग जाने जा कई के साल भर तैयारियां होंदियां ने। यह सह सुभाही संगतां नूं बेनती की, कई संगतां ने अपने आप ही अगे प्रचार किया और संगत नूं देख के सी चुकदा है कि महापुरशां दे नाल संगत दा किन्ना प्यार है। ये कोई मेला नहीं, ये कोई मेला नहीं, प्यारे महापुरशां दा वचन है कि भाई जिथे सत संगत है, चाहे इकट्ठ सैकड़ियां दा, चाहे हजारां दा, चाहे लखां दा, वो सत संगत है। जिथे नाम दी विचार हुंदी है, सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है, ते जिथे गुरमत दी गल नहीं हुंदी, नाम दी गल नहीं हुंदी, ओ चाहे इकट्ठ लखां दा होवे, चाहे हजारां दा होवे, चाहे गिनती होवे, ओ सत्संग नहीं। इस करके ये सत्संगत, ये संगत प्यार दे विच पहुंची है, दूर दूर तो संगत प्यार विच आई है। सत्संग महापुरश जिस समय संसार दे उत्ते आउंदे ने ना, उस सदी नू, उस साल नू, उस दिन नू, उस घड़ी नू अमर कर देंदे है, और जिस दिन संसार तो श्री अलोप करदे ने उस नू भी अमर कर देंदे है। नगर तमोट जिदा नाम आज संसार दे अंदर है, रतवाड़ा साहब दे नाल तमोट नगर का भी ना, जिस नगर दे उत्ते गुरु नानक साहब महाराज जी ने छेवें सरूप दे किरपा की, मीरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आए, जिथे गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब, गुरबाणी का फरमान है, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। तमोट नगर नू पवित्र कीता, कण कण पवित्र होया मेरे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी की कृपा नाल, वो जगह सुहावनी है। गुरु ग्रंथ साहिब मंदिर दूसरा बचन हुंदा है, जिथे बैसन सात जन सो थान सुहंदा, ते उस नगर च ब्रह्म ज्ञानी भी प्यारे आए। वेखो इस नगर दे शहीद होए ने जिन्हां ने देश कौम धर्म वास्ते अपना आप वारिया, ये नगर तमोड़ नूं मान मिलिया है कि समर्थ गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने कृपा की, और इस नगर च ब्रह्म ज्ञानी आए महापुरख अपने, और इस नगर दे किन्ने शहीद होए जिन्हां ने देश कौम ते धर्म तो अपना आप वारिया, ये सारियां बख्शां हर एक नगर ते नहीं प्यारे, ये तमोड़ नगर ते ही है। जथेदार बाबा करतार सिंह जी, सत्कारयोग माता इंद कौर जी, देखो जिस ग्रह विखे जिस कुल विच महापुरख आए, वो कुल भी धन हो जांदी, माता पिता भी धन। किते इक्की कुलां दा आधार बचन आउंदा, किते सारियां कुलां दा आधार। ये महापुरश ऐसे केवल इक्की कुलां ही नहीं, बल्कि ये तां लखां जीवां नूं जिथे पहला तारिया हुण वी सदा ही तारदे रहणगे। प्यारे इत्थे गल कुलां तक ही नहीं, आप मुक्त मुक्त करे संसार,
गुरमुख कोड आधार दे नाम है एक कणी, भगत जनक जी हो ने ना, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी, ते उन्हां ने नरकां दे कुंड खाली कीते। महापुरखां ने इस जलदे बलदे संसार विच विचर के नेक रूहां नूं खंडे बाटे दा अमृत छका के ते शब्द गुरु दे नाल प्यारे जोड़िया, शब्द गुरु नाल जोड़िया। एक महात्मा वो हुंदे ने जिहड़े संसार ते आके तप साधन आदि करदे ने, फिर प्राप्ति हुंदी है। एक वो हुंदे ने जिन्हां ने पहला ही बख्शां प्राप्त कीतियां हुंदियां ने, उन्हां दा आउणा केवल संसार नूं नाम नाल जोड़ना हुंदा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर जो ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण ने, जो साधु दे लक्षण ने, संत दे लक्षण ने, गुरमुख दे लक्षण ने, वो सारे बचन महापुरशां ते टुकदे ने। सारे आम असी देखने आ जिस महात्मा नाल कोई जुड़िया, वो कहेगा कि साढ़े ही महापुरश ने, होर कोई तो होया ही नहीं। पर नहीं, साहब कहंदे हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा आया राम राज। जुग जुग भगत पाया, साधु महापुरुष जुगो जुग संसार ते वाहिरु दे भेजे आउंदे है, जुगो जुग ओ विरले। महापुरुषां दा वचन है नाम जपाउण वाले महापुरुष कदे कदे संसार ते आउंदे है, नाम नाल जोड़न वाले, नाम जपाउण वाले। असली सतपुरश दा महापुरश दा जिहड़ा काम दरगाह ते ड्यूटी है, कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम। गुरु नानक साहिब दे घर दा जो बचन है, आप जपो अवरै नाम जपावो। ते प्यारे महापुरशां ने प्यारे हो, जिस वेले शरीर धारण किया उस वेले तो ही जपा रहे हैं सब नूं, उस वेले तो ही। इस शरीर तो पहला जिहड़ा शरीर ते उस तो पहला आप जी का नाम हरनाम सिंह सी, इसे ग्रह विच आए ते माता जी नूं दस दिता, माता जी असी चले जाना है, फिर आवांगे, को लेखा जोखा ज रहिंदा साडा वो कराइए, बाकी असी फिर तुहाडे ग्रह विखे आवांगे। ते फिर इस ग्रह विच आए ते आउण तों पहला माता नूं मिले, माता जी कहिंदे तुसी अगे चले गए हो, क्योंकि दुनिया के अंदर मां वास्ते पुत का विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। कह लगे माता जी हुण नहीं असी जांदे। देखो ये सारे दृष्टांत पहला होए, सहज पाठ रखे है ते अपने वड्डियां नूं बजुर्गां नूं मिले ने, असी आ रहे हां, मत्था टेक रहे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं, सारे ऐसे दृष्टांत पहला होए है। ते आप जीआं ने आम तुसी देखो बच्चा संसार ते आउंदा है ना, रोंदा है, रोए नहीं हसे ने, और बच्चियां वालियां खेडां नहीं खेडियां। आम संसारी का जिहड़ा जीवन हुंदा है
पहले प्यार लगा थंद दूजा माए बाप की सो तीजे भैया भाभी बेब चौथे प्यार पन्नी खेड पर महापुरशा नू जिस वे संसार ते आना सी उस वेले भी लिव जुड़ी हुई है सुत जुड़ी हुई है ते संसार ते आए ने ते लिव टुटी नहीं संसारे बंदे दी लिव टुट जांदी है लिव छुड़की लगी त्रिश्ना माया अमर वरताया पर ए ऐसे महापुरुष लिव नहीं टुटी सुत जुड़ी है बच्चियां वालियां खेड़ा नहीं खेड़ियां आप ता नेत्र बंद करके बैठ देते जुड़े रहिंदे उस मालक दे नाल उस मालक नाल जुड़े रहिंदे छोटी अवस्था दे विच अमर छक लिया घर विच गुरसिखी महापुरश क्या करदे प्रेमियों गुरसिख घराने विच किसे दा जन्म हो जाना कई जन्म दी तपस्या हुंदी है दूसरा महापुरशां दा वचन है कि जिस नूं सत बाजा वाले ने गुरसिखी बख्शी है जे किसे ने देखना है कि मेरे ते सतगुरु दी कृपा है ते की देखना उन्हें असी की समझने कृपा जदों किसी दियां वड्डियां वड्डियां कोठियां होण वड़े वड़े शोरूम होण जमीन जायदाद फैक्ट्रियां होण राशि शक्ति प्राप्त होवे कहने भाई बड़ी कृपा इहदे कोल धन बड़ा है बड़ी कृपा दा उद्दा बड़ा वड्डा बड़ी कृपा दे उत्ते सरकारे दरबारे चलदी है पर प्यारे महापुरशां दा वचन है बाजां वाले दी उहदे ते कृपा है जिहनूं सिखी दी दात मिल गई है समझो बाजां ने कृपा की अपना बना लिया बचपन तो खंडे बट दा अमर छकिया ते जो गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी पंजां प्यारिआं ने वचन किते उहनां नूं अंतले स्वास तक निभाया ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਘਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਦੂਸਰਾ ਕੰਘਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਧਮੋਟ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਗਤ ਜੂਠ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਜੂਠ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਟੀਚਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਗਤ ਜੂਠ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜਗਤ ਜੂਠ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਏਗੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਗਤ ਜੂਠ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਗੁੱਸਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਮਾਸਟਰ ਟੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆ ਯੂਪੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਨਕਲ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇਵੇ
ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਰੋਕੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਦੀਵਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਤੋਂ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਠਾ ਪੰਜ ਸੱਤਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਪੇਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਹਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਲਟਾ ਪਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਰੋਸ ਕੱਢਿਆ, ਝੱਲ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਕ ਸਨ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਪ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ। ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਣਦਿਆ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਣਦਿਆ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਣਦਿਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਣਦਿਆ। ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿਨਹੇ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਵਣਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ, ਤਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਆ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭੂਆ ਜੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਣਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭੂਆ ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਭੂਆ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ
गुरसिखी विच परपक ते कीर्तन कर दे कनेडा दे विच किन्निया बीबिया जेड़िया अज भी कीर्तन छेतरा कर रही ने जथे ते जद बचपन दे विच आप जी अपने वड्डे भैन जी कोल गए ना ते आप जी घर तो बाहर चले जाते भैन जी सो ते शायद कित खेडन जाते होने ने पर आप जी किथे जाते गन्ने दा खेत कमाद भी आंदे है आडर इलाके दियां बोलियां ने ना इधर गुरदासपुर वाल कहिंदे कमाद यूपी वाल जद असीं गए कहना गन्ना गन्ना ते किहनूं कहिंदे है अड अड बोली है इत्थे जदों रतवाड़ा साहिब दी सेवा शुरू हुई सन 86 च 28 जुलाई 1986 च पहले दिन ट्रैक्टर चले सी बेरियां थले एक तंबू हुंदा उही सब कुछ सी उहदे विच लंगर समान थोड़ा पिया हुंदा ते सिंह सवेरे ही आसा दी वार 6 बजे भोग पा के ते टिब्बिया ते कईयां लैके चढ़ जांदे घर संगत भी दूरों दूरों सेवा कर लाउंदी सेवा चल रही सी ते मेरे कोल इक आया कहन लगा भाजी ओ जथेदार भाई नी शेव सिंह जी कहिंदे आओ सारे ते कुकड़ियां खा लो हुण मैनूं नहीं सी पता गुरदासपुर च कुकड़ियां कहिंदे मुर्गियां नूं मैं ख्या भी मैं ते सन 80 तों इत्थे आउणा भाई नसीब सिंह जथेदार 40-40 किलोमीटर सैकल ते जांदे दवान सुन ते अजे भी कुकड़ियां खांदे है ते इत्थे आके भुन्न लग पे कुकड़ियां बेरियां थले जिथे लंगर पकदा भी मैं पुछना इहनूं भी किवें कुकड़ियां पाउंदा ओ जदों गए ते छलियां भुन्न डे आओ भाजी मैं ख्या जे सारे ने कुकड़ियां खाणी मैं ख्या भाई जे साडे मझ दा हुंदा तां उहने ते कहे खड़े मुर्गे खाई जांदे है मैनु एक गल याद आ गई एक ने दसी अपने इलाके की ओना एक हुण मैं पूरा ना की दसना पिंड ठीक नहीं हुंदा रिकॉर्ड हुंदा दुआन ते जा रहे सी कहिंदे जी इस नगर की तुहानू गल दसी मैं ख्या दसो कहिंदे इह नगर दे जिहड़े लोक है इह वाण वट के गुजारा करदे है ते जिहड़ा बाहरले पासे जगह नगर दी पई होई है उत्थे उह किले गड्डे हुंदे है उहदे नाल उह वाण वटदे उह जिहड़ा किला गड्डिया हुंदा उहनूं आंदे घोड़ी होया कि कोई रात नूं 2-3 बंदे आए उह सारे किले पुट के लै गए 2-3 पंडा इह पिंड वाले इकट्ठे हो गए थाने जिले कि असीं मारे गए असीं लुट्टे गए साडी ते 150 घोड़ी चोरी हो गई स्यापा पै गया पुलिस नूं एक घोड़ी होवे दो होवे 150 घोड़ी ओह पुलिस भज्जी फिरे अखीर पुलिस थक गई शाम नूं आई ओह इन्नियां घोड़ियां ते ट्रकां ते जान तां इन्ने ट्रक जांदे जे तुर के जान राह नीवे हो जांदे है ते कहिंदे कम से कम दसो तां सही की निशानी है जिन्हें दे च दस भाई तेरियां घोड़ियां दी की निशानी है एक कहिंदा जी मेरिया किकर दियां दूजा कहिंदा जी मेरिया टाली दियां वो थानेदार देखे भी किकर दियां भी घोड़ियां हुंदियां पाले लम्मे वो दो पंडा बालन गया सानू भजा भजा के मार दिता तुसी ये बोली भाई साहब सिंह यूपी तो आए सेवा कर ते मेरे को दौड़े आए मिस्त्री लगा सी कहिंदे जी मिस्त्री किसे हुंदा मैं की गल कहिंदे उहना मर गया लाजा मैं कहिंदे सीमेंट लैके गया वह गुस्से हुंदा उहना मर गया लाजा ओ मैं कहा आंदा मेरे नाल आ जा मैं भी तेरे वांग पहला भोला फिरदा हुंदा है अलग इलाके की बोली पाई किते कमाद किते गन्ना महापुरश उस कमाद दे गन्ने दे खेत च जाके बैठ जांदे ते बैठदे किथे ओ जिहड़ा चुंभा हुंदा ना जिथे कुल्हाड़ी चलदी है उधर वेलन आंदे है ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁੜ ਪੱਕਦਾ ਉਹ ਰਾਖ ਰੂਖ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਪ ਸਪੋਲੀਏ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ